इसका प्राइस दीदी आके दे 30 रुपया। ठीक है, तो ये वाला दीदी के दुकान से हमने लिया। हाय हाय बंधु। अरे 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 हाय बंधु, हाथ ले दो। अरे अरे वंदनास। तो यहाँ से करते हैं हम लोग दोस्तों एंट्रेंस, और एंट्रेंस जैसे आप करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको एक पिलर। नमस्कार दोस्तों, दोबारा आपका स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो पर। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अनंत। दोस्तों अभी हुआ है समय करीबन सुबह के 5:30, और अभी मतलब हम लोग कल यहाँ पर शाम को करीबन पहुँचे 5:30 बजे के आसपास। और क्योंकि मैं इसलिए आया था, मेरा जो प्यारा धन्नो है उसको हम सर्विसिंग करने के लिए 300 के आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर हुआ नहीं। वो कहे कि रात हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि उन्हें डिब्रू चले आए फूफू के घर पर, तो हम यहीं पर आ चुके हैं। तो ये कौन सा जगह मुझे उतना खास मालूम नहीं, क्योंकि मैं डिब्रूगढ़ मतलब कुछ खास आता नहीं इसलिए। और दोस्तों मैं कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा था, क्यों वो तो आपको मालूम नहीं होगा कि मेरा फ़ोन ख़राब था, तो मैंने एक नया फ़ोन ले लिया चलने के लिए कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के बाद फिर से इसको चेंज कर देंगे एक नया फ़ोन। फिलहाल दोस्तों यही मोबाइल अभी मुझे चलाएगा। आज हम लोग टूर करेंगे डिब्रूगढ़ का। कहाँ कहाँ का टूर करेंगे वो कुछ मुझे कुछ खास मालूम नहीं फिलहाल, तो प्लानिंग नहीं किया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा डेली का जो मॉर्निंग वॉक होता है सुबह का वो कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जाए तो लोग उठे नहीं, और घर पे जब मैं होता सुबह जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना होता है, इसलिए तो मैं तो जल्दी उठ गया, बाकी लोग सो रहे घर पर। तो मैं सोचा एक राउंड, तो मैंने सोचा एक राउंड ले लेते यहाँ। ठीक है, और मेरा आवाज़ थोड़ा बैठ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये है डिब्रूगढ़ का भोयरा की मौत का कोई एक कॉलोनी, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ अपनी बुआ के साथ, मतलब मेरे फूफू के साथ। तो देखिए यहाँ का सड़क कैसे, यहाँ पर घर बार बहुत ज़्यादा है। देखिए बड़े बड़े यहाँ पर घर है, हमारे उधर पे तो आपको मालूम ही होगा कि बहुत कम घर है, और ऐसी बिल्डिंग तो आपको दिखता ही नहीं होगा, एक दो ही है जो कि हमारे घर के आगे जो होंडा डीलर बने हैं वही है, और कहाँ है ना अपने वहाँ पर घर। और दोस्तों यहाँ पर ठंड भी इतना ज़्यादा नहीं है, देखिए नहा सकता हूँ मैं यहाँ पर, इतना ज़्यादा ठंड है। और आपने उधर पर तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा ठंड है सुबह को तो हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपनी बुआ के घर, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं क्योंकि मैं ब्रश नहीं किया था। उसके बाद बुआ लोग उठेंगे, उसके बाद कुछ चाय नाश्ता हो जाएगा शायद, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने एक टूर पर। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है करीबन सुबह के 7:40 और अभी हम लोग कुछ देर के बाद निकलने वाले हैं। और फूफू लोग सभी लोग इधर पे ही रहा, फूफू लोग भी सभी लोग उठ गए हैं। ए भाई आए भाई, वो डेली उठो तो अरे पर 5 बजे उठे लगे कल पर। ठीक है, अरे मॉर्निंग वॉक अगर जिम मारे भी बॉडी शॉडी बना भी होगा, इतने टाइम है इतने नंबर वाले कितने बना भी हो ना फूफू। तो ये रहा मेरा प्यारा धन्नो, जिस पर अभी अपनी सवारी होने वाली है। अभी कुछ देर के बाद हम लोग निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे वैसे अभी तक हमने कुछ फिक्स नहीं किया, बस निकल कर जाएंगे और बाकी प्यारे धन्नो जहाँ पे ले जाए वहीं पे चले जाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी समय हो चुका है करीबन 8:02 और अभी हम लोग निकल रहे हैं, और शाम को आएंगे शायद, अभी जाएंगे अटाई के घर, उसके बाद ही हम लोग कहाँ जाएंगे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग हैं, बहन लोग सभी लोग इधर पे हैं। हेलो, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, तो अभी के लिए बाय बाय गुड नाइट। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ मालूम नहीं वैसे मुझे कुछ खास, तो हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। तो मैं लोगों को रोड पूछ के जा रहा हूँ कि किधर से जाता है, क्योंकि मुझे उतना कोई खास मालूम नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, मतलब वैसे तो आते ही रहता हूँ लेकिन जगन्नाथ मंदिर कभी गया नहीं। तो इधर पर है बोल रहे हैं, तो इधर पर हम अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रोड से सीधा हमें जाना है, तो आगे मिल जाएगा हमें जगन्नाथ मंदिर, तो अभी इधर जाता है, तो अभी सीधा हम लोग मिलते हैं दोस्तों जगन्नाथ मंदिर पर। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, ये है इसका पीछे वाला एंट्रेंस, और इधर से होगा आपका आगे वाला एंट्रेंस वहाँ से, तो हम स्कूटी आगे पर रखें। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, और यहीं पे अपने स्कूटी को हमने पार्क कर दिया, और यहाँ पर बहुत सारे दुकान हैं जहाँ से हम अगर फूल वूल कुछ अगरबत्ती नहीं लाए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो सामने एक दीदी है तो उनके वहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उधर ही चलते हैं। तो ये रहा दीदी, इनके यहाँ से हम ले लेते हैं दिया, हेलमेट रख दे इधर पर। ठीक है, तो हेलमेट और बैग तो हम इधर पर रख देते हैं दीदी के दुकान पर, ये बैग भी रख देते हैं इधर, भारी होगा था ना, भारी होगा था ना।
तो ये हमने हेलमेट और बैग दीदी के दुकान पर रख दिया और यहाँ से हम लोग अगरबत्ती ले लेते, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, नहीं दिया चाहिए। तो यहाँ पर घी ढाला जा रहा है और दिया है, एक फूल है और कुछ प्रसादी, प्रसादी मुझे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ये दोनों को रख दीजिए, ये वाला चाहिए, इतना हो जाएगा। तो ये वाला हम ले लेते हैं दीदी के यहाँ से। तो इसका प्राइस दीदी आके दी 30 रुपया, ठीक है। तो ये वाला दीदी के दुकान से हमने लिया। तो अगर आपको किसी को भी अगर लेना है तो यहाँ से आप ले सकते, दुकान से आप ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से कुछ कम कर दिया, मुझे इतना सामान नहीं चाहिए इसलिए। तो इस दीदी ने पूरी थाली भी सजा के दी कितने अच्छे से, वैसे तो मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया, यहाँ पर देखिए यह कितना अच्छे से सजा के रखा है यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों ये रहा, हम आगे से जा रहे हैं, उधर से एंट्रेंस है। तो हमें मिल गया जो जो चाहिए हमें, ये रहा। हाँ देखिए कैसे बनाए ये स्ट्रक्चर्स। तो आगे इधर शू खोलने के लिए, तो यहाँ पे अपना हम जूता खोल लेते हैं और यहाँ पे जूता को डाल देने का। तो यहाँ पे हमने अपना शू खोल लिया, ये रहा। तो इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं एक इस पर, अच्छा बुझाओ, और एक इस पर। तो ये दोनों हमने यहाँ पर रख दिया और वहाँ जाके हम लोग हाथ थोड़ा पैर धो लेते हैं, उसके बाद फिर एंटर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, देखिए यहाँ से एंट्रेंस कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से करते हैं हम लोग दोस्तों एंट्रेंस, और एंट्रेंस जैसे आप करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको एक पिलर, और उसके बाद इधर आपका राइट साइड पर एक काउंटर है राइट साइड पर, उसके बाद जस्ट लेफ्ट साइड पर है आपका हवन। तो वहाँ पर है हवन, उसके बाद यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले दिया जला लेंगे, उसके बाद बाकी मंदिरों का थोड़ा टूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोगों ने दिया जलाया, देखिए। तो अभी हम भी जला लेते हैं। तो यहीं पे पूजा पाठ करके हो गया, हमने गुरु जी से आशीर्वाद भी ले लिया, और आप सभी को अभी थोड़ा सा हम जगन्नाथ मंदिर का टूर करवा देते हैं कि कैसे है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। और इसके बारे में तो मुझे कुछ खास डिटेल नहीं, तो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, जितना हमें जानकारी मिलेगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग जगन्नाथ मंदिर का थोड़ा सा टूर कर लेते हैं, ओके। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जगन्नाथ मंदिर का, हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे पहले आपको आगे एक जगन्नाथ मंदिर का यहाँ पर आपको मंदिर दिखेगा, उसके जस्ट लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे हमने पूजा किया, उसके बाद आगे है आपका कैंटीन, और इधर से हम लोग जा रहे हैं। ये आके आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर है आपका गणेश जी का मंदिर, ये रहा। और गणेश जी का यहाँ पर है मूसक राजी, जो कि उनके वाहन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घास है, और घास से हम लोग पैदल चल के यहाँ पर देखे कितने अच्छे से बनाया गया है यहाँ पर स्ट्रक्चर सब, जो भी ड्राइंग्स है 3D पे इसको क्या बोलते हैं मुझे इतना कुछ खास मालूम नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से बनाया गया इसको, और फोटो शूट हो रहा है उधर पर, तो उधर ध्यान मान दीजिएगा। और यहाँ पर है बिमला टेम्पल दोस्तों, यहाँ पर है आपका बिमला टेम्पल, ये रहा। तो दोस्तों अभी इधर का टूर हो गया, अभी हम लोग
जा रहे हैं ऊपर मंदिर पर, ठीक है। तो वहाँ से आपको हम दिखाते हैं व्यू कैसा है और भी देखते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं मंदिर पर, तो चलिए इधर तो चलिए। ऊपर जाने से पहले हम लोग ये साइड भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मंदिर है। यहाँ पर ये अपना हनुमान जी का मंदिर ये रहा, अपने बजरंग बली का मंदिर यहाँ पर देखिए। तो इधर से अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा विष्णु जी, और उसके बाद इधर से हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर्स कितने अच्छे से बनाए गए, ये सब कितने साल पुराना होगा मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे से इसको बहुत ही बारीकी से बनाए गए सबको। ये मालूम है दोस्तों कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, इसके लिए समझ आते हैं, लेकिन आप भी समझ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इधर पर जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर, वहाँ पर कौन सा मंदिर हम लोग देखते हैं। तो वहाँ पे बजा बजा के जा रहा है, मालूम नहीं क्यों बजा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है लक्ष्मी जी का टेंपल, माता लक्ष्मी का टेंपल। और दोस्तों आखिर में है यहाँ पर आपका राम जी का दरबार। हेलो भाई, हाय बंधु, हाय हाय बंधु, अरे 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 हाय बंधु, अरे अरे वंदनास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका राम जी का दरबार, जहाँ पे आप देख सकते हैं राम जी लक्ष्मण जी माता को और हनुमान जी को। सब हो चुका है, आखिर में अब बचा है अपना बड़ा सा टेंपल, तो ये लास्ट है, उसके बाद हम वापस घर लौट के जाएंगे। तो आखिर में हम इसको एक बार आगे ऊपर से जाके देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। और दोस्तों मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे शायद मुझे कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ अगर मिस्टेक्स हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ खास मालूम नहीं, जिसके कारण से अगर मुझसे गलती हो भी सकता होगा, और गलती हुआ भी होगा शायद, मुझे तो वैसे लग रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर गलती होगा, ठीक है। और वही है दोस्तों, इतने कहना चाहते हैं, और आखिर में हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो है उसके बाद हम लोग वापस कर देंगे। वो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं ऊपर भगवान को, जो कि इधर से आप चढ़ सकते हैं। यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख के, हम लोग धीरे धीरे सब एक एक सीढ़ी एक बाई एक करके ऊपर बढ़ रहे हैं। वो दोस्तों यहीं पर है जगन्नाथ जी का मूर्ति आगे। दोस्तों हमने जगन्नाथ भगवान जी का भी दर्शन कर लिया, मैंने अंदर शूट नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ का मैं वीडियो करूँ, इसलिए, और यहाँ के लोग भी नहीं चाहते होंगे, वैसे भी मैं भी नहीं चाहता, तो मैंने इसलिए अंदर का शूट नहीं किया। और बाकी दोस्तों आपको हम यहाँ से दिखा रहे आसपास का जो भी व्यूज है, ठीक है, जो भी आपको अभी तक मैंने दिखाया वो आपको हम अभी यहाँ से दिखाएंगे। ओके, तो चलिए इधर देखें।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने भगवान को दर्शन भी कर लिया और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी वो दीदी से जाके हम लोग लेंगे अपना सामान और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा सा व्यू देख लेते कैसे। तो दीदी हो गया, ये रहा आपका थाल, ये ले लीजिए। थैंक यू थाल देने के लिए, और आपका पैसा ले लीजिए, ठीक है। 30 रुपीज़ ना। जैसे बैग और अपना हेलमेट ले लेते हैं। ये रहा अपना हेलमेट और ये है बैग। बैग तो बहुत ही ज़्यादा भारी है ना दीदी, बहुत भारी है, इसमें बहुत सामान है इसलिए भारी है। 1 लीटर का तो पानी भरा हुआ है इसमें, ये रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। तो ठीक है दीदी, मिलते हैं, बाय बाय, फिर आएंगे कभी। दोस्तों यहीं पे अपना पूजा पाठ हो गया, हमने दीदी से अपना हेलमेट और बैग भी ले लिया और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे आने वाले वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना और अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने का धन्यवाद, आपका समय सुबह, थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे। और एक बात दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, ठीक है, बाय बाय।